ब्लड फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम एंटीकोगुलेंट्स करने वाले हैं। तो हमने कोगुलेशन के दो पैथवे पढ़े थे, एक इंटरनल पैथवे था, दूसरा एक्सटर्नल पैथवे था। एक्सटर्नल पैथवे में सिर्फ फैक्टर 7 इन्वॉल्व था, जो शॉर्ट पैथवे था एक्सटर्नल पैथवे, और जो इंटरनल पैथवे था वो ज़रा लॉन्ग पैथवे था, उसमें काफ़ी फैक्टर इन्वॉल्व थे, फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 वगैरह, वो सारे इसमें इन्वॉल्व थे। तो एंटीकोगुलेंट्स भी हम दो स्टडी करने वाले हैं, एक हेपरिन है, दूसरा वारफरिन है। ठीक है, जो हेपरिन है वो इंटरनल पैथवे को इनहिबिट करता है, जो वारफरिन है वो एक्सटर्नल पैथवे को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जो हेपरिन होता है वो एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और एंटी थ्रोम्बिन आगे जाके थ्रोम्बिन पे और फैक्टर 10 को इनएक्टिवेट कर देता है, और इस तरह जो इंटरनल पैथवे है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास वारफेरिन है, तो ये एक्सटर्नल पैथवे को किस तरह इनहिबिट करता है? वारफेरिन विटामिन के होता है बेसिकली, इट इनहिबिट्स द विटामिन के एब ऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, फिर गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ द फैक्टर सेवन जो होता है उसकी गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल पैथवे है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इसके अलावा ये जो वारफेरिन होता है फैक्टर 7 के अलावा फैक्टर 2, फैक्टर 9, फैक्टर 10। ठीक है, मतलब जो चार फैक्टर हैं, फैक्टर 2, 7, 9 और 10, इन चार फैक्टर की गैमा कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करवाता है बाय इनहिबिटिंग विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। अब हम दोनों को हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ना दोनों की, तो दोनों क्या है, ऑपोजिट हैं। जो चीज़ हेपरिन में होगी वारफेरिन में वो क्या चीज़ होगी, ऑपोजिट होगी। पहले हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया है, तो दूसरे हम पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि जो हेपरिन होता है वो इंटरनल पैथवे को इनहिबिट कर रहा होता है, और इंटरनल पैथवे को कौन सी चीज़ मेजर करती है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, PTT मेजर करता है। और वारफेरिन जो एक्सटर्नल पैथवे को इनहिबिट कर रहा होता है, और एक्सटर्नल पैथवे को कौन मॉनिटर करता है उसकी एक्टिविटी को, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक हो गया, फिर ये हो गया, फिर हम चलते हैं इनके केमिकल नेचर पे और इनके फार्माकोकाइनेटिक्स पे। तो हेपरिन एच से शुरू हो रहा है, एच से हम कर लेते हैं हाई, और एच ई हेपरिन के स्पेलिंग के अंदर एच ई पी, पी से हम कर लेते हैं पॉलीसेक्राइड। तो ये हाई पॉलीसेक्राइड होता है या लार्ज पॉलीसेक्राइड होता है, हेपरिन क्या होता है, लार्ज पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, तो वारफिन क्या होगा, इसके ओपोजिट होगा, मतलब वो स्मॉल विटामिन के होता है। ठीक है, लिपिड सोलबल स्मॉल विटामिन के होता है। कि हमने पहले कहा था कि जो चीज़ हम हेपरिन की स्टडी करेंगे वारफेरिन की वो चीज़ ऑपोजिट हो जाएगी। तो हेपरिन हमने हाई पॉलीसेक्राइड या लार्ज पॉलीसेक्राइड किया है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि लार्ज होता है तो इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो वारफेरिन है वो शॉर्ट है, स्मॉल है, तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, अच्छा, अब जो हेपरिन जो लार्ज पॉलीसेक्राइड था, ये पॉलीसेक्राइड होता है तो ये वाटर सोलबल होता है, जैसे हम कर लेते हैं ग्लूकोज वगैरह को इसे वो कर लेते हैं, ये क्या होता है, वाटर सोलबल होता है। दूसरी तरफ जो वारफेरिन था वो वाटर सोलबल नहीं होता, बल्कि वो लिपिड सोलबल होता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जो वारफेरिन है वो लिपिड सोलबल होता है, लिहाजा वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर लेता है, और इसके अलावा इस ये ओरल भी दिया जा सकता है ईजिली, जो स्टमक वगैरह जी आई टैक्ट वगैरह से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स जो हेपरिन है, लार्ज पॉलीसेक्राइड है, जो वाटर सोलबल है, यानी कि वो पोलर है ना, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, और ना ही अगर हम उसे ओरल दें तो वो जी आई टी टैक से एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल के अक्रॉस, बल्कि हम उसे पेरेंटल देते हैं, आईवी देते हैं या सबकुटेनियस देते हैं। ठीक हो गया, तो ये चार पांच बेसिक फ़र्क हैं। जो हेपरिन होता है वो लार्ज पॉलीसेक्राइड होता है, लार्ज होता है तो उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है, वाटर सोलबल होता है, पोलर होता है, प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता, और इसे पेरेंटल दिया जाता है। अभी हमने कि जो हेपरिन होती है इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, क्योंकि जो लार्ज होता है, लिहाजा इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रैपिड एंटीकोगुलेशन चाहिए होती है, और वारफेरिन की हाफ लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होती है, लिहाजा हम इसे लॉन्ग टर्म जब हम एंटीकोगुलेशन चाहिए होती है तब हम वारफेरिन को यूज़ करते हैं। क्या क्या यूजेज होते हैं इनके, जब थ्रोम्बस बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह हो रहा होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं, या इसके अलावा जब एम्बोलाई बन रहे होते हैं, पल्मोनरी एम्बोलाई वगैरह उधर यूज़ करते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह के अंदर, DIC के अंदर, इन सब कंडीशन के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट कर लेते हैं, तो टॉक्सिसिटी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एंटीकोगुलेंट्स हैं, कोगुलेशन नहीं होने दे रहे, तो पहली बात ब्लीडिंग काज करेंगे, बी से ब्लीडिंग है, बी से ही अगला साइड इफेक्ट है बोन, बी से ब्लीडिंग, बी से बोन, ये दोनों के दोनों बोन को इफेक्ट करेंगे। जो हेपरिन है वो ऑस्टियोपोरोसिस काज करेगा, और जो वारफेरिन है वो क्या काज करवाएगा, क्योंकि हमने कहा था जो वारफेरिन है वो प्लेसेंटा क्रॉस करता है, ठीक है, लिहाजा वो क्या होता है, टेराटोजेनिक होता है, उसे प्रेगनेंसी के अंदर हम कभी भी एंटीकोगुलेशन के लिए वारफेरिन को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम हेपरिन को यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर,
ठीक हो गया। तो जब वारफरिन प्लेसेंटा क्रॉस कर लेता है तो ये बोन डिसमॉर्फोजेनेसिस क्रॉस करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो हैपरिन, इनके फिर इंडिविजुअल साइड इफेक्ट क्या हो जाता है स्पेसिफिक इनका, तो जो हैपरिन है वो बॉडी के अंदर जब आता है तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देता है। ये एंटीबॉडीज़ हैपरिन पे भी एक्ट करती हैं, प्लेटलेट्स पे भी एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी डिवेलप हो जाती है। और जब वो एंटीबॉडीज़ प्लेटलेट्स को काम कर देती है तो हैपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा वारफिन का क्या खास साइड इफेक्ट होता है कि हमने कहा था जो वारफिन होता है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ द फैक्टर 2, 7, 9, 10 कम हो जाती है। इसके अलावा जो विटामिन सी होता है उसकी भी गैमा कार्बोक्सिलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब विटामिन सी क्या था, विटामिन सी फैक्टर 5 का और फैक्टर 8 का इनहिबिटर था। जो फैक्टर इंटरनल पैथवे में यूज़ हो रहे थे उनका इनहिबिटर था, सिंपल कह सकते हैं कि वो भी क्या था, एंटीकोआगुलेंट्स था। ठीक है, तो जब हम वारफेरिन को यूज़ करते हैं तो विटामिन सी और जो फैक्टर 7 है इनकी हाफ लाइफ सबसे कम होती है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब हम वारफेरिन को यूज़ करते हैं। जब फैक्टर 7 शार्ट हो जाएगा उसकी हाफ लाइफ कम हो जाएगी, जब इफेक्ट हो जाएगा एक्सटर्नल पैथवे इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, और जब विटामिन सी इनहिबिट होगा जिसकी हाफ लाइफ शार्ट है, तो वो क्या था, एंटीकोआगुलेंट था, इनहिबिटर था किसका, इंटरनल पैथवे का। तो इंटरनल पैथवे को जो चीज़ इनहिबिट कर रही थी वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो इंटरनल जो पैथवे है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और ज़्यादा कोआगुलेशन करवा देगा, जिसकी वजह से स्किन नेक्रोसिस हो जाएगा, स्किन के अंदर कोआगुलेशन हो जाएगी, ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगी वारफेरिन के केस में स्किन नेक्रोसिस हो जाएगी। तो इधर हम ये कर लेते हैं कि हैपरिन के वही कर लेते हैं, एच से हमने हाई किया था और एच ई पी से हमने क्या किया था, ये पॉलीसेक्राइड होता है, पी से हमने किया तो इसे हम पेरेंटल देते हैं, पी से हमने कहते हैं कि हम इसे प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ करते हैं। हैपरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसका जो एंटीडोट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, वो होता है प्रोटामाइन। ठीक है, प्रोटामाइन क्या होता है, एंटीडोट है, एंटागोनिस्ट है, हैपरिन का इसी इफेक्ट को अपोजिट करता है। और वारफेरिन का क्या होता है एंटीडोट, वो आइदर विटामिन के होता है या इसके अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, अगर हमें फास्ट चाहिए होता है, जल्दी चलना होता है हमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, नहीं तो विटामिन के को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अब जो हमने इधर हैपरिन पढ़ा है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट अनफ्रैक्शन हैपरिन था। ठीक है, इसके अलावा कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन होते हैं जैसे एनोडेपरिन वगैरह या फोनडेपरिन एक्स वगैरह। ठीक है, अब एनोडेपरिन एंड फोनडेपरिन एक्स जो लो मॉलिक्यूलर वेट है इनमें और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन हमने पढ़ा है इसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, पहला फ़र्क तो यही होता है कि एनोडेपरिन वगैरह जो फोनडेपरिन एक्स वगैरह ये लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ठीक, दूसरा फर्क ये होता है जो हैपरिन था वो एंटीथ्रोम्बिन को एक्टिव कर रहा था और एंटीथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को भी इनएक्टिवेट कर रहा था और फैक्टर 10 को भी इनएक्टिवेट कर रहा था, मगर ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैं ये जस्ट फैक्टर 10 को इनहिबिट करती हैं, थ्रोम्बिन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात ये कि हम हैपरिन की एक्टिविटी को मॉनिटर करते थे पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम से जो इंटरनल पैथवे पे एक्ट कर रहा था। ठीक है, मगर जो ये लो मॉलिक्यूलर वेट हैं इनकी हम एक्टिविटी को पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम से मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, फिर जो हैपरिन था इसका एंटीडोट था या एंटागोनिस्ट था वो क्या था, प्रोटामिन था, लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट के केस में प्रोटामिन इनका एंटीडोट वगैरह एंटागोनिस्ट नहीं होता। ठीक हो गया, फिर हम वारफेरिन होता है इसके काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट से मुराद इसके काफ़ी ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, इसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कोलेस्ट्रामाइन वगैरह। और इसके अलावा जब हम P450 इंजाइम इंड्यूसर को यूज़ करते हैं तो वारफेरिन की हाफ लाइफ कम हो जाती है और इसके जो इफेक्ट होते हैं एक्टिविटी वो कम हो जाती है और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है लिहाजा वो भी कम हो जाता है। इसी तरह जब हम उसके इनहिबिटर को यूज़ करते हैं P450 के, तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है वारफेरिन की वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वो था हैपरिन था इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। अब हम करने वाले हैं कुछ डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, वो तीन ड्रग्स हैं, आर्गेट्रोबान, डेविगेट्रान एंड बाईवैलिरुडिन। ठीक है, आर्गेट्रोबान, डेविगेट्रान एंड बाईवैलिरुडिन, सिंपल गेट्रोन वगैरह का लफ्ज आ रहा है। जो आर्गेट्रोबान होता है ये हैपरिन इंड्यूस एंटीबॉडीज़ के खिलाफ ये एक्ट नहीं करता। हमने कहा था ना जब हम बॉडी के अंदर हैपरिन को लेकर जाते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ आर्गेट्रोबान के खिलाफ नहीं बनती, लिहाजा हम इसे हैपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डेविगेट्रान है वो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज़ होता है, और जो बाईवैलिरुडिन है बी से बाई है, ए से एंजाइना है और ए सही एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन के साथ अनस्टेबल एंजाइना में यूज होता है। ठीक है, फिर कुछ होते हैं डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर, जो फैक्टर 10 ए था इंटरनल पैथवे में था उसके कुछ ड्रग्स होती हैं, इनहिबिटर होती हैं, और उनके एंड में आता है जैबान, एक्स एक्स शो करते हैं ना 10 को, और एक्स से ही है जैबान।
ठीक है, जैसे कि रिवाज़ोबैन वगैरह, ये ड्रग क्या होती हैं, फैक्टर 10 इनहिबिटर होती हैं। अच्छा, आर से रिवाज़ोबैन है और आर से अगला अल्फ़ाबेट है एस, एस से स्ट्रोक हो गया, एस के बाद अगला अल्फ़ाबेट है टी, टी से है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो ये रिवाज़ोबैन वगैरह स्ट्रोक वगैरह या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वगैरह के केस में यूज़ होती हैं, ठीक है, हो गया। इसके अलावा इनको हम पार्शियल थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिन टाइम से इनको इनकी एक्टिविटी को हम मॉनिटर नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होती हैं जो थ्रोम्बस को तोड़ देती हैं। हमें पता है थ्रोम्बस के अंदर क्या होता है, फिब्रिन होता है, तो फिब्रिन के फिब्रिन को तोड़ देता है प्लाज्मिन, प्लाज्मिन और जन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है और प्लाज्मिन जो होता है वो फिब्रिन को डिजनरेट कर देता है, फिब्रिन को तोड़ देता है, ठीक है। तो दो ड्रग्स होती है थ्रोम्बोलाइटिक, स्ट्रेप्टोकाइनेज और एल्टाप्लेज। दो फर्क हैं, पहला फर्क ये है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये एंटीजन होती है, हमने इसे बैक्टेरियोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि ये एंटीजन होती है लिहाजा इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और दूसरी तरफ जो एल्टाप्लेज है वो ना ही एंटीजन होती है ना ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। दूसरा फर्क ये है जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो फ्री प्लाज्मिनोजन पे भी एक्ट करती है और बाउंड प्लाज्मिनोजन को भी एक्टिवेट करती है, बाउंड टू दी मतलब जो उससे क्लॉट के साथ जो बाउंड होता है प्लाज्मिनोजन उसको भी एक्टिवेट कर देती है प्लाज्मिन के अंदर, और जो फ्री प्लाज्मिनोजन होती है उसको भी एक्टिवेट कर देती है प्लाज्मिन के अंदर, और प्लाज्मिन जाके फिर फिब्रिन एक्ट करता है उसको डिजनरेट करता है। लेकिन जो एल्टाप्लेज होती है ये क्लाट स्पेसिफिक होती है, ये जस्ट उस प्लाज्मिनोजन पर एक्ट करती है जो फिब्रिन के ऊपर होता है, क्लाट के ऊपर होता है और उसको प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है और प्लाज्मिन आके फिब्रिन को डिजनरेट कर देता है। इसके अलावा कुछ एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स भी होती हैं, तो एंटी प्लाज्मिन कौन सी ड्रग्स हैं, अमाइनो कैप्रोइक एंड ट्रैन एग्जामिक एसिड वगैरह, ठीक है, ये एंटीडोट्स हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग के अंदर, एक्सेसिव ब्लीडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ब्लड क्लाट को स्टेबलाइज़ करवाती हैं, एंटी प्लाज्मिन होती हैं, प्लाज्मिन को इनएक्टिवेट करती हैं, प्लाज्मिन फिर फिब्रिन पैक्ट नहीं कर पाता, फिब्रिन स्टेबल रहता है, ब्लड क्लाट स्टेबल रहता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स एंटी प्लेटलेट्स होती हैं, तो हमने प्लेटलेट्स के दो स्टेप किए थे, दो तीन स्टेप्स किए थे, एक स्टेप था प्लेटल एक्टिवेशन, एक था प्लेटल एग्रीगेशन। हमने कहा था प्लेटल एक्टिवेशन में दो चीज़ों का किरदार होता है, थ्रोम्बोक्सिन का और एडीपी का, थ्रोम्बोक्सिन का और एडीपी का, और प्लेटल एग्रीगेशन के अंदर फिब्रोजन का जो फिब्रिन का किरदार होता है, जो फिब्रिन होता है वो दो प्लेटल्स को आपस में जोड़ रहा होता है, ठीक है। अब एंटी प्लेटल्स वो ड्रग होंगी जो इन तीनों को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन को किस तरह इनहिबिट करेंगे, हमें पता है थ्रोम्बोक्सिन प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो हम एस्पिरिन को यूज़ करते हैं। एस्पिरिन क्या होती है, एनएसएड होती है, ठीक है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की संदिशेद को कम कर देती है, जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम होंगे तो थ्रोम्बोक्सिन कम होगी, जब थ्रोम्बोक्सिन कम होगी तो प्लेटलेट की एक्टिवेशन कम हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर दूसरे नंबर पे एडीपी, एडीपी को कौन सी ड्रग्स वो करती हैं इनहिबिट करती हैं, वो हैं क्लोपिडोग्रेल या प्रादोग्रेल टिकाग्रेल, और इनके एंड में ग्रेल आ रहा है क्लोपिडोग्रेल। जो क्लोपिडोग्रेल होती है वो इरिवर्सिबल होती हैं, और जो प्रादोग्रेल है या टिकाग्रेल है ये इरिवर्सिबल होती हैं। ये सारी क्या करती हैं, एडीपी रिसेप्टर जो होते हैं प्लेटलेट्स उसको ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट की एक्टिवेशन नहीं हो पाती, ठीक है। इनको हम अनजाइना के अंदर भी यूज़ करते हैं, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर भी यूज़ करते हैं, काफ़ी इनकी क्लिनिकल यूज होती हैं। फिर तीसरी हमने कहा था जो ड्रग प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करती है वो क्या थे, प्लेटलेट एग्रीगेशन में किसका रोल था, फिब्रिन का। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, फिब्रिन के अगेंस्ट एक्ट करती हैं, वो कौन सी ड्रग्स हैं, एपिक्सिमेस, इप्टीफाइबेटाइड और टायरोफाइबैन, ठीक है। एबिक्सिमैथ के अलावा बाकी सबके ड्रग के अंदर FIB आ रहा है, FIB से शो हो रहा है इनका फंक्शन, मतलब वो क्या, हमें पता था जो फिब्रिन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 ए रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तो ये ड्रग क्या करती हैं, ये ड्रग एंटागोनिस्ट होती हैं और जाके ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 ए रिसेप्टर पे बाइंड कर जाती हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं हो पाती। इसको हम कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर यूज़ करते हैं और पोस्ट एंजियोप्लास्टी के अंदर यूज़ करते हैं।